Hello guys and welcome back to my channel Lifestealer Ajinkya. Bapre. हाँ दोस्तों, मैंने अपनी फर्स्ट बाइक होंडा डैजलर बेच दी है। 2011 में नवंबर में मैंने वो बाइक ली थी, जब भी मैं अपने कॉलेज के इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में था, वो टाइम पे मैंने वो गाड़ी ली थी। और उसके बाद बहुत सारी मेमोरीज़ है वो बाइक के बारे में। एक्चुअली जो मेरी टूरिंग है, जो मेरी मतलब बाइक के रिलेटेड जो मेरी अभी एडिक्शन बन गई है कि यार बाइक के ऊपर ट्रैवल करना है, बाइक के ऊपर घूमना है, जो मेरी एक पैशन बन गई है, वो पैशन वो एडिक्शन ये होंडा यूनिकॉर्न डैजलर की वजह से ही हुई थी। मुझे आज भी पता है, जब भी मैं फर्स्ट टाइम वो बाइक के ऊपर हाईवे पे टच किया था एंड 150 सीसी की बाइक की वजह से हाईवे के ऊपर वो टाइम 80-90 का स्पीड, मतलब क्या बताऊँ आपको कि कितना अच्छा फील आ रहा था। वहीं से स्टार्ट हुआ मेरा ये राइडिंग का पैशन। डैजलर के ऊपर मैं अराउंड अभी तक 70,000 किलोमीटर कर चुका था 150 सीसी बाइक के ऊपर। जो मेरे लॉन्ग राइड्स है अगर उनके बारे में बात करें ये बाइक के ऊपर, तो मैं गया था महाबलेश्वर। हाँ पता है ज़्यादा लंबा नहीं है, बट स्टिल वो टाइम वो मेरे लिए सबसे लॉन्गेस्ट राइड था कि मैं महाबलेश्वर गया हूँ 400 किलोमीटर। एंड उसके बाद देन नगर, जो अहमदनगर मेरे गांव है वहाँ पे वो साइड गया हूँ। उसके बाद जो अपने लोनावला है, खंडाला, उसके बाद इगतपुरी, अपना NH8, जो मुंबई का निकल के साथ जो फर्स्ट राइड किया था मैंने, मतलब जो सब्सक्राइबर राइड था, तो वो राइड भी मैंने अपने डैजलर के ऊपर ही किया था। सो यस, बहुत सारे यादें हैं ये बाइक के साथ। एंड यस, अभी बेच दिया है तो थोड़ा बहुत बुरा लग रहा है। इट्स मतलब कैसे बताऊँ, बुरा भी लग रहा है और एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि न्यू बाइक ले रहा हूँ। तो दोस्तों, न्यू बाइक अभी अपने पास डोमिनार है ऑलरेडी 400 सीसी, जो भी अगर मुझे बाहर जाना है, हाईवे पे जाना है तो। एंड वो फिलहाल मैंने अभी सह्याद्री में दिया हुआ है, उसके ऊपर अभी कुछ और मॉडिफिकेशंस करके वो बाइक आने वाला है, उसका एक डिटेल वीडियो आएगा अराउंड 3-4 दिन में। तो मैं सोच रहा था कि 150 सीसी बाइक में ही जाया जाए फिर से सिटी बाइक के लिए। तो मेरे ख्याल में थी कि यूनिकॉर्न या फिर हॉर्नेट या फिर अपनी अपाचे RTR 160 जो अभी न्यूली जस्ट लॉन्च हुई है, तो ये सब बाइक अराउंड 90,000 तक जाती है। सो थोड़ा बहुत बजट भी बढ़ रहा था एक्चुअली। उसके बाद फिर मेरे स्कूटी में मुझे जुपिटर एंड एनटॉर्क, जो दोनों TVS से है, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी, स्पेशली एनटॉर्क। जो TVS ने न्यू मॉडल निकाला है एनटॉर्क, मैन क्या गाड़ी है, क्या गाड़ी है। शायद से उसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो मुझे ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि वो गाड़ी में इतने फीचर्स दिए, उसका जो एग्जॉस्ट नोट है, क्या सही बाइक है। सो वो मैं कल बुक करने के लिए गया था TVS शोरूम उल्लासनगर में यहाँ पे। बट प्रॉब्लम ये है कि वो गाड़ी के ऊपर अभी फ़िलहाल है 1 महीने की वेटिंग। तो यार, 1 महीने की वेटिंग हमसे नहीं हो पाएगा। 82 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल हो गया है एंड डोमिनार इधर सिटी में चलाना पॉसिबल नहीं है। सो मुझे बहुत ही अर्जेंटली मुझे बाइक चाहिए, तो दैट्स व्हाई आई गेस कि कुछ तो 100 सीसी के या 125 सीसी में जो अवेलेबल होगा वही बाइक मैं फटाफट ले लूँगा, क्योंकि हॉर्नेट के ऊपर भी वेटिंग है, यूनिकॉर्न के ऊपर भी वेटिंग है, एंड जो 160 आया है नया वाला TVS का, उसके ऊपर भी वेटिंग है। सो आई गेस कि जो भी 100 एंड 125 सीसी बाइक्स रहती है, जैसे कि पैशन प्रो हो गया या एंड दिस शाइन हो गया, तो मे बी ये दोनों में से ही कोई बाइक एक ले लूँ मैं, क्योंकि बाइक ही लेनी है ऐसा डिसाइड हुआ है फाइनली मेरी फैमिली में। क्योंकि हम तीनों मेल से, मतलब मैं, मेरा छोटा भाई एंड मेरे डैड, ओनली मॉम है जो फीमेल है। सो घर में एक्टिवा की या स्कूटी की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे मेरे डैड का एंड मेरे भाई का कहना है। सो दैट्स वाई बाइक ही लेनी पड़ेगी। तो अभी देखता हूँ कौन सी बाइक लेते हैं, क्या लेते हैं। एंड यस गाइस, और एक चीज़, अपने को नया जैकेट, न्यू पैंट एंड न्यू बूट मिल गया है, दैट टू आप लोगों की वजह से। यस आप लोगों की वजह से जो मुझे देखते हो, एक अच्छी खासी डील के ऊपर मुझे सब प्रोडक्ट्स मिले हैं, जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो शायद से रहेगा। एंड बस मुझे इतना ही कहना था, आप सबको एक थोड़ा लाइफ का अपडेट देना था कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। एंड दैट्स वाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली पिछले 6 दिनों से मैंने कुछ वीडियो नहीं डाला था। एंड उसके बाद जो मैंने फैमिली हॉलीडे वाला वीडियो डाला है, उसको भी कुछ ज़्यादा लोगों ने आपने देखा नहीं है, शायद से मुझे भूल गए हो, क्योंकि 6 दिन मैंने वीडियो नहीं डाला था। तो ऐसा मत करिए यार, थोड़ा बिजी हो गया था, दैट्स वाई।
कभी-कभी लाइफ में थोड़ा अपने काम और ये सबको छोड़ के, मतलब यूट्यूब या जो भी आपके पर्सनल काम है उसे छोड़ के थोड़ा टाइम खुद के लिए देना पड़ता है। तो बस ये जो 6 दिन थे जिधर मैंने वीडियो नहीं डाला, वो खुद के लिए टाइम था, थोड़ा थोड़ा मुझे खुद को एंजॉय करना था। तो बस गाइज, यही था एक छोटा सा वीडियो आपके लिए मुझे बनाना था कि क्या चल रहा है लाइफ में, कैसे क्या हो रहा है। सो यस, आपके अगर नज़र में कोई है अच्छी खासी 125 cc बाइक में तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं देखता हूँ अगर मुझे पसंद आती है तो। एंड यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। पता है बहुत छोटा सा वीडियो था, बट नेक्स्ट अभी बहुत सारे वीडियो लाइनअप हो गए हैं। सो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हो, बाय गाइज।